हेलो दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट यह है कि मेरी जो रैंक मेरे पास इस बार मिली है जो आपके वीडियो के अंदर भी हमने देख करके हमारी एक्सपेक्टेड रैंक हमने एज्यूम की है जो स्कोर एज्यूम किया है वो स्कोर एक सिक्योर स्कोर है या नहीं है मैं मेरे स्टेट में सिक्योर हूं या नहीं हूं मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी ऑल इंडिया के अंदर मुझे वो रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भी मेडिकल कॉलेज चलेगा गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए और ये मेरी रैंक है तो इसी चीजों का आंसर देने के लिए मैंने आपके पास में लास्ट ईयर के कुछ डेटा को एनालाइज करके एक चार्ट के फॉर्म में आपके सामने रखा है कैटेगरी वाइज रखा है स्टेट कोटा वाइज रखा है ऑल इंडिया कोटा वाइज रखा है ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको बट पिछले वीडियो के अंदर आपके जो responses मुझे जो मिले हैं वो बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज मिले हैं बहुत खुश हूं मैं इन रेस्पॉन्स से और इतनी अच्छी अच्छी क्वेरीज आप लोगों ने पूछी है वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म भी इंसर्ट किया था उसमें भी मैंने एक के अंदर आपकी को पूछा था और कई स्टूडेंट्स ने वहां पर भी है वो वहां पर उन्होंने पूछे उन सभी गूगल फॉर्म के जो क्वेरीज को है मैं एक लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा मैं आपको शो करता हूँ कि वो क्या रेस्पॉन्स है किस तरीके से उन स्टूडेंट ने मेरे को रेस्पॉन्ड किया है देखिए अभी अभी देखिए सेवेंटी थ्री से सेवेंटी फोर एक रेस्पॉन्स इंक्रीज हो गया है तो इस तरीके से रेस्पॉन्स सिस्टमेटिक वे में मैं रेस्पॉन्सेज मांगे थे वहां पे बहुत एकदम कन्फाइंड और बहुत ही अच्छा एक फॉर्मुलेटेड वहाँ पे गूगल फॉर्म है वो आप फिल करिएगा क्वेरीज उसमें है आप क्वेरीज टाइप करिएगा इसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज टाइप करिए बहुत जेन्यन क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को मैं एक लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा उसको आप देखिएगा हो सकता है कि आपका भी वही सेम डाउट हो तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड आपके पास में ही रहे सारे सॉल्व हो जाए एकदम क्लैरिटी आ जाए और आप श्योर हो जाएंगे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ओके तो हम आप आते हैं वापस उस डेटा के ऊपर जो मैंने आपके चार्ट के फॉर्म में रखे हैं ये देखिए है, इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं आप इसको समझिए इस चार्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है अब इस महाराष्ट्र के स्टूडेंट को उसके स्टेट में और उसके ऑल इंडिया कोटा में जो स्टेट का ऑल इंडिया कोटा है उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी चेक करनी है तो लास्ट ईयर एक्चुअली देखते हैं कि लास्ट ईयर एक डेटा है आपके पास में रैंक है स्कोर है जिसपे ऑल इंडिया कोटा की लास्ट सीट उठाने वाले स्टूडेंट का डेटा और स्टेट कोटा की जो लास्ट सीट है उसको उठाने वाला डेटा मैंने मेंशन किया है आप देखिए यहां पे ऑल इंडिया की जो लास्ट सीट 2019 में जिसका स्कोर 433 थ्री थ्री था उस फोर थ्री थ्री वाले स्टूडेंट ने इस रैंक पे नाइन सेवन एट फोर फाइव रैंक के ऊपर पालघर का मेडिकल कॉलेज जो है वो ऑप्ट कर लिया था वही सेम मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट ने फोर सिक्स वन जिसका स्कोर था उसने ऑप्ट किया था अब आप कहेंगे कि सर टू के अंदर ये क्या रहने वाला है क्या यही कॉलेज रहेगा हमेशा क्या होता है कि जो लास्ट सीट जाती है कॉलेज को फील करने का जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है वही कॉलेज हमेशा लास्ट में रहता है वही कॉलेज हमेशा टॉप पे रहता है हाँ उसमें जाने वाले स्टूडेंट्स की जो क्लोजिंग रैंक होती है वो थोड़ी वेरी करती रहती है कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कोर जो है इस साल बढ़ जाएगा और रैंक जो है वो इसी के आसपास रहेगी क्लियर तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप अपने आप को सिक्योर कर लो देख लो कि यार मुझे महाराष्ट्र का अगर कोई स्टूडेंट है तो मुझे ऑल इंडिया में मेरे महाराष्ट्र के अंदर ही रहना है तो मेरे को इतना मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए यार या फिर इतना रैंक तो चाहिए ही चाहिए स्टेट से भी जाना है तो इतना तो चाहिए ही चाहिए और एक एग्जाम्पल देता हूं कि महाराष्ट्र का स्टूडेंट चाहता है कि मैं राजस्थान चला जाऊं या कोई और दूसरा स्टेट में चला जाऊं तो उसको उस स्टेट का भी पता होना चाहिए अब उस स्टेट में उसको स्टेट कोटा से कोई लेना देना नहीं है उसको किससे लेना देना है ऑल इंडिया कोटा सीट से ही लेना देना रहेगा इमेजिन करिए कि महाराष्ट्र का स्टूडेंट राजस्थान जाना चाहता है तो राजस्थान की लास्ट रैंक आपको पता होनी चाहिए वो सीट को उठाने वाले की और क्या थी रैंक स्कोर सिक्स जीरो टू झालावाड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज है वहां की लास्ट सीट उठाई थी राजस्थान की लास्ट ऑल इंडिया की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट थी इसका मतलब उस महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट का एटलीस्ट ये रैंक होना चाहिए इसके आसपास रैंक होगी तभी वो राजस्थान जा पाएगा अदरवाइज राजस्थान उसके नसीब में नहीं है ऐसे आप अपने स्टेट को देखिए इसी तरीके से आप अपनी रैंक को स्कोर को देख करके इस चार्ट में प्रेजेंट जितने भी स्टेट हैं उससे कंपेयर करिए देखिए आप कहां जा पाते हैं कहां नहीं जा पाते हैं कुछ स्टेट और भी हैं आगे स्लाइड के अंदर है आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल यहां पे मैंने मैंशन किया है यहां यहां जिस स्टेट से जो बिलोंग करता है वो अपने आप की रैंक को देख लिए यहां पे अपने आप को कंपेयर कर सकता है अब कुछ ही कह, बच्चे कहेंगे कंप्लेन करेंगे कि हमारा स्टेट तो इसमें मेंशन नहीं है तो सारे स्टेट के डेटा मैंने यहाँ पे एनालाइज करके नहीं डाले हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा इसका मतलब यह नहीं कि और स्टेट का स्टूडेंट है वो उसका डाउट डाउट ही रह जाएगा नहीं आपका स्टेट जो भी है आपकी जो रैंक है वो सारा मेंशन करके डालिए गूगल फॉर्म के अंदर मेरे पास में क्वेरीज टाइप करिए उस क्वेरीज को मैं पढ़ूंगा और उसका मैं लाइव सेशन के अंदर आंसर दूंगा स्टूडेंट तो फटाफट से मेरे को आप जो है वो भेजते रहिए थैंक यू